चाय के लिए सबसे अच्छी टिप जो मैं बताने वाली थी, सबसे अच्छी क्या मतलब, हाँ सबसे अच्छी टिप, ये अच्छी लाइट, अच्छा मौसम, अच्छी चाय। अस्सलाम वालेकुम, सुबह हो गई है और मेरी सुबह आज हो रही है ये चाय से, और मैं चाय आपको अपने मुंह की जगह इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह से अच्छी चाय लग रही है। ये रहा मेरा चाय का कप भरा हुआ। तो ये जो आपने देखा ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने लगाया है, और अब मुझे बाहर जाना है, कुछ चीज़ें लेनी हैं और माँ की मेडिसिन लेनी है, तो चलते हैं चीज़ें लेंगे और बनानास भी देखेंगे। मैं घर आ गई हूँ और बहुत ही थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी बाहर, बहुत ही ट्रैफिक रहती है बनारस में, अब भूख लग रही है, देखती हूँ क्या करना है, क्या खाना पीना है, कुछ खाते हैं। ये रही मेरी गरम बिरयानी जो कि बहुत ही गरम है, अभी चिकन की बिरयानी है, मुझे वैसे ही बहुत भूख लगी और बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है, अब खाते हैं पहले। तो ये अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि बाहर जाना है, कुछ काम है, कुछ चीज़ें लेनी है, और जो मैं कल बाहर गई थी, मतलब ये सेकेंड डे है, कल जो मैं गई थी डॉक्टर के पास वो अलग था, आज सेकेंड डे हो चुका है तो मैं दूसरे दिन बाहर जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है और चैनल पे कोई DIY नहीं किया है, तो अब मैं अपने इसी ब्लॉग में एक DIY करती हूँ क्योंकि मेरे फेस को भी ज़रूरत है। तो एक मैं अच्छा सा मास्क बनाती हूँ जो कि स्किन को बहुत ग्लोइंग करेगा और हाइड्रेट करेगा, तो पहले मास्क बनाते हैं। ये रहा बेसन, थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है अपने फेस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा बेसन है और इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, ये मैं बता दूँ, ये बिना पानी के मैं मास्क बनाऊँगी। इसमें ऐड होगी अब थोड़ी सी दही,
क्योंकि दही भी काफ़ी अच्छी होती है, हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करती है। तो ये थोड़ी सी दही इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी और ऐड होगी। और थोड़ा सा लेमन मैं ऐड करती हूँ इसमें, लेमन के कुछ ड्रॉप्स ही ऐड होंगे, कुछ ड्रॉप्स ही फ़ायदा कर देते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, सिर्फ तीन चीज़ें ऐड हुई हैं, लेमन, बेसन और ये दही। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मैं मिक्स करके दिखाती हूँ क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो ये मेरा जो पेस्ट है रेडी हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी अच्छी आई है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छी है क्योंकि घर की चीज़ें हैं सारी। और मैंने इसमें वाटर पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ तीन चीज़ें हैं, लेमन, बेसन और दही। तो ये रहा मेरा मास्क जो कि मैंने बना लिया है, बहुत ही अच्छा मास्क है। और अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। तो अप्लाई करते हैं और स्किन को हाइड्रेट करते हैं और ग्लोइंग बनाते हैं। स्किन को ना हमेशा किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी अच्छे पैक की, अच्छे मसाज की, अच्छे क्लिंजर की। तो घर में कुछ ना कुछ अगर आपके पास चीज़ें हैं तो उससे कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। बहुत लोग होते हैं मेरी तरह लेजी जिनसे कुछ नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। और वैसे भी ये बहुत आसानी से जल्दी से बन जाने वाला पैक है और घर में भी सारी चीज़ें होती हैं तो बन जाए। तो आप इसको वीक में 3-4 बार लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन पे ऑयल है तो ये जो भी आपकी स्किन पे ऑयल है ना, वो सारा ऑयल ये जो आपका मास्क है निकाल देगा और स्किन को आपकी बहुत ही अच्छी बना देगा अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो। ये मैं लगा लेती हूँ अच्छे से और लगा कर मैं इसको छोड़ दूँगी। कम से कम 15-20 मिनट की मेरे फेस पे लगा रहेगा और जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसको अपने फेस से हटाऊँगी। तो इस फेस इस मास्क को क्या नाम दे सकते हैं हम, ग्लोइंग हाइड्रेशन मास्क। मुझे अपना पहले ना बाल को थोड़ा समेट लेना चाहिए था, मुझसे गलती हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं, गलती को सुधार सकते हैं। बाल को थोड़ा समेट लेते हैं, थोड़ा टाइट बांध लेते हैं, क्लच लगा लेते हैं। ये लग गया। अच्छा, जब भी आप मास्क लगाएं तो अपने नेक को भी कवर करें क्योंकि ना आपका नेक एरिया भी कवर होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि पूरी नेक कवर करें, लेकिन आप थोड़ा तो डाउन लेकर जाएं इस मास्क को। तो मास्क मैंने लगा लिया है, अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी जब ये ड्राई हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल पूरा ही ड्राई हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब अच्छे से ड्राई हो जाएगा मेरे फेस पे। उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से अपना फेस को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद अगर मुझे लगाना भी होगा कुछ तो मैं सिर्फ रोज़ वाटर अपनी स्किन पर लगाऊंगी या तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मास्क इनफ है आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो उसको अब ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, 15 मिनट कुछ करते हैं। और ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है अभी और मेरी स्किन अब कितनी रिफ्रेश और अच्छी हो गई है। मैंने सिर्फ पानी से वॉश किया है और अब मैं अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाली। तो ये फेस को क्लीन और ग्लोइंग करने का बहुत ही सिंपल सा और अच्छा मास्क है जो कि आप वीक में 3-4 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरी मैं तो यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है, आप भी चाहें तो इसको यूज़ करें। तो अभी मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने अपने लिए क्या पूरी फैमिली के लिए। तो चाय पियेंगे, अच्छी चाय बनाऊँगी मैं और चाय के लिए मैं एक अच्छी टिप भी देने वाली हूँ, ठीक है। तो बनाते हैं चाय। तो मैंने अभी सिर्फ इसमें चाय पत्ती डाली है, चीनी नहीं डाली क्योंकि मेरी मॉम को शुगर है, वो चीनी वाली चाय नहीं पीती। तो इसमें सिर्फ अभी चाय पत्ती है, ठीक है। तो दूध और पत्ती, शुगर बाद में जाएगी इसमें, मतलब मॉम को मैं दे दूंगी उसके बाद शुगर ऐड करूंगी।
अच्छा, तो चाय के लिए सबसे अच्छी टिप जो मैं बताने वाली थी, सबसे अच्छी क्या मतलब, हाँ सबसे अच्छी टिप, तो चाय के लिए जो सबसे अच्छी टिप मैं बता रही थी वो ये है कि आप जब चाय बनाएं तो आप जब दूध डालें, जैसे पानी डाला फिर दूध डाला, तो दूध में जो ग्रीन कार्डमम होती है उसको आप कूट के डाल दें, और चाय की पत्ती और चीनी डालने से पहले आप जो ग्रीन कार्डमम है उसको डालें, मतलब हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो गया है, ग्रीन कार्डमम को मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे शायद इलायची बोलते हैं, हरी इलायची, हाँ ठीक है, लेकिन कार्डमम जो भी, अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो वो ग्रीन कार्डमम को आपको दूध में पकाना है, तो आपको दूध चूल्हे पे लगाना है और उसमें ग्रीन कार्डमम डालना है और दूध को अच्छे से पका लेना है, एक कार्डमम बहुत होगी तो अच्छे से आपको पका लेना है, और जब वो कार्डमम दूध में अच्छे से पक जाए ना, उसके बाद आपको चाय की पत्ती और चीनी ऐड करनी है, उससे आपकी चाय बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही टेस्टी। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है, अगर तो चाय का कोई मतलब, चाय तो सबको पसंद है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा चाय पीना चाहता है या अच्छी चाय पीना चाहता है तो वो ये ज़रूर फॉलो करे। तो मैं तो ऐसे पीती हूँ, बहुत ही टेस्टी चाय बनती है, तो अभी वही मेरी वैसी ही चाय बन रही है, फिर मैं उसको पीऊँगी। तो मॉम की चाय मैंने निकाल दी है और उसमें चीनी ऐड हो रही है बाकी लोग के लिए, थोड़ी देर अब इसको पकाएंगे और फिर चाय पियेंगे। तो ये रही मेरी चाय और ये रहा मौसम, जो कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बादल भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, अभी तो अंधेरा हो गया है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो आपको लाइटें दिख रही हैं, तो ये लाइटें हमारे पड़ोस में इन्होंने लगाई हुई हैं, जो कि बहुत प्यारी लाइटें हैं। तो अच्छी हवा, अच्छा मौसम, अच्छी चाय, अच्छी लाइटिंग, और एक और लाइटिंग है, ये रही रोड, जिस पे रोड पे भी लाइटिंग हो रही है, हो रखी है। अच्छा, लाइटिंग क्यों हो रखी है मैं ये भी बता दूं, क्योंकि जो महीना चल रहा है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्योर महीना है, ईद नद नबी, ये महीना बहुत ही अच्छा होता है और हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ईद नद नबी की खुशी में ये लाइटें लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही प्यारी हैं, और जो मेरे पड़ोस में घर भी सजाए यही वजह है, ठीक है। तो ये अच्छी लाइट, अच्छा मौसम, अच्छी चाय, कहाँ गई, ठीक है, तो पीते हैं चाय। तो मैं अपने टेरेस पे हूँ और ये चाय पी रही हूँ, और मौसम मेरे पीछे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी हवा भी है। इस कार्डमम की वजह से, कार्डमम क्योंकि मैं डाल चुकी थी तो मतलब मैं दिखाया नहीं, कार्डमम की वजह से इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी हो गई है, इसका टेस्ट तो अच्छा है ही, साथ में चाय की स्मेल भी बहुत अच्छी है, मतलब स्मेल तो इसमें मैं फील नहीं करवा सकती, लेकिन काफ़ी अच्छी स्मेल और काफ़ी टेस्टी चाय है। और चाय मैं ठंडी पीती, मतलब चाय बन जाती है तो मैं फ़ौरन नहीं पीती, मैं रुक के पीती हूँ, क्योंकि गर्म चाय मुझसे नहीं पी जाती, चाय पीते हैं। तो ये था आज का पूरा व्लॉग, जिसमें मैंने जो भी था आपको दिखाया, और सबसे अच्छी चीज़ थी इसमें जो मेरा मास्क था, बहुत ही अच्छा मास्क था, वो आप ज़रूर ट्राई करना। तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और जो ये मुझे देख रहे हैं वो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।